इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, इतनी सारी चीजें ले आई आप सबके लिए। मैं सब अपनी खुशी से लाई। सारा खुशी चीजों में नहीं, लोगों में होती है। लोगों को खुश रहने के लिए भी चीजों की जरूरत होती है। मेरा मतलब है कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मुझे ऑफिस की तरफ से अकोमोडेशन मिली है, 2 महीने का एडवांस भी मिला है। मैं परसों वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। क्या इसमें इतना रिएक्ट करने वाली क्या बात है? इससे भी ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात है। एक्सक्यूज मी सारा, आपको उन्होंने 4 दिन की जॉब में आपको लैपटॉप दे दिया, पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दी और अब अकोमोडेशन। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? सारा आप इस बात का जितना गलत मतलब निकालना चाहती है निकाल लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपने, चलें ठीक है, आप मुझे इस काबिल नहीं समझती हैं कि आप मुझसे इजाजत लें, लेकिन डिस्कस तो कर सकती थी, मशवरा तो ले सकती थी। आपने उनसे 2 महीने की सैलरी ले ली। मुझे ऑफिस जाने के लिए कुछ चीजों की, कुछ कपड़ों की जरूरत थी। मुझसे कहती ना, मैं दिला देता आपको 10-12 जोड़े। बेशक वो इतने महंगे ना होते, लेकिन सारा आप उनमें एक महीना गुजारा कर सकती थी। खैर छोड़ें इन बातों को, लेकिन आई एम रियली सॉरी सारा, मैं आपको वहां शिफ्ट होने नहीं दे सकता। देखो जहीन, मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ बस। सो जब तक आप मेरे निकाह में हैं, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाने दे सकता जिससे मुझे इत्मीनान ना हो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है सबसे? सारा मैं आपके लिए एहसन साहब को जवाब दे हूं। जब तक वो वापस नहीं आ जाते आप यहीं रहेंगे, तब तक आपको ये अपना शिफ्ट होना डिले करना होगा। जब मेरे बाप को मेरी परवाह नहीं है तो तुम कौन होते हो मुझ पे रोक टोक करने वाले? देखें सारा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मेरा यकीन माने, मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगा और ना ही मैं आप पर अपना हक जताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं आपका वेल विशर हूं, कभी आपको धोखा दूंगा ना नुकसान पहुंचाऊंगा। इसलिए प्लीज ये जॉब छोड़ दो प्लीज। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।